दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। विधानसभा चुनावों को देखते हुए उन्होंने उत्तराखंड में भी दिल्ली वाला दांव चला और 10 सूत्री वादे किए हैं। उन्होंने उत्तराखंड से वादा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मुफ्त बिजली दी जाएगी। हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए, अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आप फोन करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों से दिल्ली में फोन करके पूछो कि भाई आप लोग केजरीवाल ने कुछ काम किया। अगर कोई कहे कि केजरीवाल ने काम नहीं किया तो उत्तराखंड में भी मेरे को वोट मत देना। हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की, पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं, हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने किया।